महाराष्ट्र में सियासी हलचल जारी है और इन सब के बीच कई दलों के नेता खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार बता रहे हैं। इन दावों के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले भी सीएम पद की दावेदारी को लेकर सियासी मैदान में कूद गए हैं। उन्होंने कहा कि जब सब लोग सीएम बन रहे हैं तो वह भी महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने की पेशकश भी की। रामदास आठवले ने महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजकल हर कोई महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगा है, हालांकि यह तभी संभव है जब किसी के पास बहुमत हो। उन्होंने आगे कहा कि सुशील कुमार सिन्ने के बाद से राज्य में कोई दलित मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने कहा, अगर ऐसा कोई विचार है तो मैं निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूँ, लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार स्थिर है और एकनाथ शिंदे अच्छे से काम कर रहे हैं। वह दिन में 16 से 18 घंटे काम करते हैं। वह एक कुशल मुख्यमंत्री हैं।